पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को भी पढ़ने में सक्षम है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकते, लेकिन पेगासस से जब मोबाइल हैक कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्ड कॉल आने पर भी ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। वहीं पेगासस से जासूसी का पहला मामला वर्ष 2016 में सामने आया था, जहां संयुक्त अरब अमीरात के मानव अधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर ने अपने फोन हैक होने की जानकारी दी थी। उन्हें कई SMS प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उनके मोबाइल में ये लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में भारत में सबसे पहले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पेगासस से जासूसी का मामला उठाया था। उन्होंने संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अवैध रूप से जासूसी कराने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियों से करवाई जाए। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? वहीं अब तक पेगासस द्वारा जासूसी के मामले में 40 से ज़्यादा भारतीय पत्रकारों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें हिंदुस्तान समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ शिशिर गुप्ता सहित द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एम के वेणुगोपाल सहित कई अन्य के फोन हैक किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस जासूसी के मामले में जारी कथित लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल के मोबाइल नंबर की भी जासूसी की गई है। 50,000 टेलीफोन नंबरों के लीक हुए वैश्विक डेटाबेस सबसे पहले फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिले थे। इसके बाद इन्होंने इन डाटाबेस को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया, जिसके बाद पेगासस द्वारा इतने बड़े स्तर पर जासूसी करवाने का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में जासूसी का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने दावा किया है कि वो ये प्रोग्राम मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें।